हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमो व्लॉग एंड वेलकम टू माय एन अदर व्लॉग। आज का व्लॉग दोबारा से कराची से शुरू हो रहा है और हम जो है वो कराची आ चुके हैं इस्लामाबाद से। अचानक हम लोगों को इमरजेंसी में कराची आना पड़ा क्योंकि मेरे चाचा की डेथ हो गई थी और तकरीबन 2 वीक्स हो चुके हैं हम लोगों को कराची आए हुए और चाचा की डेथ को अचानक उनको जो है सीवियर हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। वैसे वो नॉर्मल थे। हाँ, वही चचा जिनके बच्चों से जिनकी बेटी की शादी होने वाली थी और मान के व्लॉग में जब हम कराची आए थे तो आपने देखा था चचा के सारे बच्चे जी, उन चचा की जो है मेरे डेथ हो गई और अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और उसी वजह से एमरजेंसी में हम लोगों को कराची आना पड़ा था और कराची आने के बाद थोड़ा मसरूफियत हो गई थी तो कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो सोचा कि आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट दे दी जाए कि हम लोग कराची आ चुके हैं और अब आज से जो व्लॉग्स आएंगे वो कराची के व्लॉग्स आएंगे। तो आज से इस बस मैं छोटी सी अपडेट के बाद जो आप पूरा व्लॉग देखेंगे वो कराची का व्लॉग है। तो चले यहाँ से शुरू करते हैं और जाहिर है कि व्लॉगिंग तो लाइफ का पार्ट है तो ये तो हमने करनी है, तो शुरू करते हैं। आगे आपको जो जो भी करेंगे वो दिखाएंगे। जब तक मैं कराची से जाने से पहले मैंने 2-3 क्लिप्स बनाए थे। कोई मैंने सफ़ायर से कपड़े लिए थे वो आप लोगों को दिखाए थे, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ आगे यहाँ पर। और वो कपड़े मेरे सिल के भी आ चुके हैं तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में ये भी दिखाऊंगी कि वो मैंने कैसे स्टिच करवाए। तो साथ रहिए। सबसे मेरी ख़ास गुजारिश है कि चचा को अपनी दुआ में याद रखें, उनकी मगफिरत के लिए ख़ास दुआ करें। हाँ, तो पार्टियों लिबास अर्श एक इंस्टाग्राम का पेज है, उनकी तरफ से मुझे पीआर पैकेज आया था। बहुत ही ज़बरदस्त सी एक कुर्ती आई थी, अभी वो मैंने पहनी नहीं है, पहन के भी आपको दिखाऊंगी और बिना पहने भी अभी आपको दिखा देती हूँ। इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ये इनकी डिटेल्स हैं। तो ये ज़बरदस्त सी कुर्ती है लिबास अर्श की तरफ से ये मुझे आई थी। ए लाइन इसका पैटर्न है, इस तरह से ए लाइन पैटर्न पर स्लीव है, स्लीव्स पर इसकी ये डिटेलिंग है, ये इस तरह से एक बेल लगी हुई है और स्टिचिंग वगैरह हुई हुई है अच्छे से। और सेल्फ प्रिंट इसका कपड़ा है, ये इस तरह से लॉन है, ये बहुत ही प्यारी। और गले पे भी ऐसे डिटेल्स हैं इसकी, हल्का फुल्का सा डिज़ाइन बना हुआ है। इंशाल्लाह जब मैं ये पहनूंगी तो पहन के भी आपको दिखाऊंगी। और कपड़ा बहुत फ़ाइन क्वालिटी का है, अच्छे डिज़ाइन बना हुआ है, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन है। तो अगर आपको ज़बरदस्त से कपड़े ऑर्डर करने हैं तो आप इनसे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। संडे बाज़ार से मैंने ये लिया, 1 प्रिंट लॉन है ये, और बिल्कुल एक जैसा ट्राउज़र होगा, एक जैसी कमीज़ होगी इसकी। और ये तकरीबन 1100 का पड़ा है मुझे और सिलेगा अभी ये भी। जब ये दोनों सूट सिल जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी और एक और ब्लैक सूट है वो भी दिखाऊंगी। प्लस ये मैंने अपने ब्लैक सूट के लिए कुछ बेलें वगैरह ली हैं, बड़ी प्यारी और बड़ी ज़बरदस्त सस्ती सी वहाँ मिली संडे बाज़ार में। और ये मैंने बटन्स लिए हैं और मेरे दिमाग में तो ये था कि ये इसके ऊपर मैच हो जाएंगे और ये वाकई में कितना कोई ज़बरदस्त मैच हो रहे हैं इसमें। तूबा ने अभी अभी खाना बनाया, आज घर में दाल चावल बनाए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी अभी तूबा खाना रेडी करके, क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी बाज़ार तो आज खाना तूबा ने बनाया और अकेले बनाया सब। तो अभी अभी खाना रेडी करके तूबा बस सब किचन क्लीन करके और गई है, तो मैं आपको दाल चावल दिखाती हूँ। मज़े की पार्टी होने वाली है दाल चावल की आज। क्या है यार, यम्मी ये बनी हुई है दाल, ये तली हुई मिर्चें, ये तूबा कोई ख़ास मिर्चें तलती है खटाई पाउडर वाली, वो मैं आपको किसी दिन उससे रेसिपी पूछ के बताऊंगी। बहुत ही कोई दाल चावल के साथ कोई नेक्स्ट लेवल मिर्चें लगती हैं। और ये आलू की कतलियाँ, वाओ आज पार्टी। और यहाँ बने हुए हैं बॉयल राइस दाल चावल के साथ चावल। और चूँकि घर में यम्मी किस्म की दाल चावल की पार्टी होने वाली है तो पहले हमने सोचा था कि हम शामी कबाब फ्राई करेंगे, लेकिन फिर मान ने बाहर से टिक्के ऑर्डर कर दिए पटना से, पटना एल ब्लॉक है, हाँ एल ब्लॉक में पटना के टिक्के अगर आपने नहीं खाए तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत पुराना है वो और बहुत ही कोई आला टिक्के होते हैं उसके, पटना के टिक्के। तो हमने पटना से टिक्के और कुछ बोटियाँ ऑर्डर किए हैं क्योंकि ज़ाहिर है दाल चावल का नाम सुन के जो है आदमी लोग खाली दाल चावल तो नहीं खाते, तो इसलिए अब वो आएंगी तो फिर हम वो पार्टी करेंगे। सब शदीद भूखे हो रहे हैं। हाँ, तो पार्टियों अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज हम बना रहे हैं ग्रीन चिकन। सुबह क्या हरे मसाले की चिकन बना रही हूँ मैं, और अन्नू मामा और मैं मिलके बना रहे हैं चिकन स्ट्रिप्स। मामा हाँ, कौन सी
बताओ लोगों को। चिकन स्ट्रिप्स। कौन सी चिकन? क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स। ठीक है, क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स की पार्टी करेंगे उसमें, तो हम मैरिनेट करके रखेंगे उसको। मैरिनेट करके रखेंगे अभी। सही है, ठीक है, डन है। चलो और इन लोग को रेसिपी बताएंगे, ठीक है? सही है। हरे मसाले की चिकन के लिए मैंने यहाँ पे जो सामान लिया है वो बता देती हूँ आप लोगों को। पूरा हरा धनिया लिया है एक गड्डी, और थोड़ा सा 8-10 पत्ते पुदीना लिया है, 5-6 हरी मिर्चें ली हैं, एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है जैसे ऐसे मैं मोटा मोटा काट लिया, 2 टमाटर लिए हैं जैसे ऐसे 2-2 पीसेस में कर लिया, थोड़ी सी साबुत अदरक ली है और थोड़ा सा साबुत लहसुन लिया है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस ब्लेंडर में डालेंगे और पीस लेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 1 kg हमने चिकन लिए। हम खाना बना रहे थे तो अचानक से हमने, जब हमारी गैस रोज़ाना 11:30 बजे जाती है, हमने 10:30 बजे चूल्हा जलाया, 11:45 बजे, तो आज गैस जल्दी चली गई। कोई बात नहीं, कराची में ये सब होता रहता है, बहुत नॉर्मल है। तो अब हम सिलेंडर पर खाना बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने चिकन ऑयल डालना है। ऑयल में ज़ीरा सफ़ेद 1 teaspoon के करीब और थोड़ा सा कड़ी पत्ता ये डाल के हम पहले चिकन को भगा देंगे और उसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल के भूनेंगे। 1 teaspoon हल्दी पाउडर और 1/2 teaspoon के करीब गरम मसाला पाउडर डाला है और उसके साथ उसको भून ली हूँ। लहसुन अदरक डाला था सबसे पहले, ऑयल में कड़ी पत्ता ज़ीरा और चिकन डाल दी थी, फिर भूना था, फिर लहसुन अदरक डाला था, फिर भूना था, अब हल्दी और गरम मसाला पाउडर के साथ भून रहे हैं। अब मैंने इसमें 1/2 pound के करीब, 1 kg चिकन में 1/2 pound के करीब दही डाला है, थोड़ा सा फेंट के। अब मैं इसको थोड़े से दही के साथ भूनूंगी, उसके बाद जो हमने मसाला ब्लेंड करके रखा है पीस के वो हम इसके अंदर डालेंगे। ये जो हरा मसाला हमने ब्लेंडर में रखा है ये अब हम चिकन के अंदर डालेंगे। 1 चम्मच के करीब, 1 teaspoon के करीब नमक भी डाला है, आप अपने हिसाब से ज़रूरत नमक डाल सकते हैं, और हरा मसाला डाल देंगे। और अब ढककर चिकन को गलने तक पकाएंगे, जब वो गल जाएगी तो उसको भून लेंगे अच्छे से। जब तक खाना बन रहा है मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपने कपड़े दिखा देती हूँ जो सिल के आ चुके हैं, और मैंने 1-2 दफ़ा पहन भी लिए हैं, लेकिन आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे सिलें। और एक सूट है जो मेरा अब सिलने जाएगा, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये बहुत ही प्यारा सूट, हम गंभीर गए थे ना गाँव राशिद भाई के, वहाँ उनकी मोमानी ने मुझे ये गिफ्ट किया था, तो ये भी सिलेगा। बहुत ही प्यारा सा 3-piece सूट है ये, इस तरह का कुछ इस तरह का दिखता है। काला वाला सूट जो सफ़ायर से लिया था मैंने वो ये है, इसका कुछ इस तरह से प्रिंट है, बिल्कुल ब्लैक था ये, बहुत मज़े का। और मैंने इस पर ऐसे हाई नेक कॉलर बनवाया है, प्लस इस तरह के ये पोटली बटन्स लगवाए हैं, इसको पोटली बटन्स कहते हैं। यहाँ पे इसका जो सबसे ज़्यादा एक मज़े की चीज़ है वो ये है कि मैंने इसकी स्लीव्स के ऊपर वो जो संडे बाज़ार से बेलें ली थी वो लगवाई हैं, तो वो दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से मैंने जो है ना ये बेलें ली थी संडे बाज़ार से, एक बेल ये है, ये काफ़ी चौड़ी थी, एक बेल ये है, एक पूरी ये है, एक ये है, और एक ये वाली ये सेम है। तो मैंने इन दोनों का ऐसे बॉर्डर बनवा के, ये तकरीबन आस्तीन यहाँ तक देखें, हाफ से ज़्यादा आस्तीन पे ये बेलें इस तरह से मैंने लगवाई हैं, अलग अलग किस्म की, और बहुत पहन के बहुत प्यारा लग रहा था। मैं आपको तस्वीर भी यहाँ पर शो कर देती हूँ, और नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप जाके देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा था पहन के। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात, मैं पहले ना प्लेट्स, बैक प्लेट्स और ज़िप वाली शर्ट्स पहनती थी, तो मैंने बहुत अरसे से वो पहनना छोड़ दी थी। अब मैंने आके इसमें, इस ब्लैक वाले सूट में और एक और जो रस्ट कलर का ऑरेंज कलर का सूट है उसमें, दोनों में पीछे प्लेट्स और ज़िप डलवाई है। वो ट्राउज़र भी सेम ब्लैक ऐसा ही है, सेम 1 print सूट है ये, और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है ब्लैक एंड वाइट। ये इसका दुपट्टा है ब्लैक एंड वाइट, और इस पर मैंने सिंपल सा पीको करवाया था। सेकेंड नंबर पे जो सफ़ायर से मैंने सूट लिया था वो ये वाला था, ये वाला भी मैं एक बार पहन चुकी हूँ, बट इसमें मेरी कोई पिक्चर नहीं है तो शायद मैं आपको ना दिखा पाऊँ। ये भी हाई नेक कॉलर है, सेम गला है, पोटली बटन्स वाला, मुझे ये बहुत मेरा फेवरेट है, इस तरह से विदाउट एनी गैप बटन्स लगे हुए हों और लंबे गले में लगे हुए हों तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह से मैंने लगवाया था। और बटन जो इसके पोटली बटन मैंने बनवाए थे वो इसके ट्राउज़र के कपड़े के बनवाए थे। और ये भी सिंपल स्ट्रेट लॉन्ग शर्ट है, पीछे बैक पे इसकी ज़िप है, प्लेट्स हैं उसी तरह ब्लैक वाले की तरह, और ये इसका ट्राउज़र है। डोरी पाइपिंग करवाई है वो इसके ट्राउज़र के कपड़े की ही करवाई है। पर ये वाला सूट 2-piece लिया था मैंने, तो इसके साथ मैंने दुपट्टा खुद कंट्रास्ट में ऐसे फ़ोन कलर का दुपट्टा लेके, ये जो इसका बेज फ़ोन कलर है इसका करके, और इसके ऊपर ऑरेंज सिंपल पीको करवाई थी। मुझे सिंपल दुपट्टे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और क्योंकि गर्मियाँ भी हैं तो हम शिफोन के दुपट्टे इजीली पहन सकते हैं। और ये वो संडे बाज़ार वाला सूट है जो मैंने लिया था 1-piece, मतलब 1 print। ये जो है इसके ऊपर ऐसे शीशों वाले मैंने ये लगवाए, थोड़े थोड़े से बटन्स कह लें इसको, टसल्स कह लें,
सिंपल सा इसका गोल गला है, पिंक कलर की इसके ऊपर डोरी पाइपिंग करवाई है और बहुत सिंपल सा सूट है लेकिन पहन के बहुत ही प्यारा लग रहा था। और सेम इसका सेम ट्राउज़र है और ऐसा ऑफ वाइट कलर का इसका दुपट्टा है प्लेन शिफॉन का। होपफुली आप लोगों को ये वाली मेरी कपड़ों की जो कलेक्शन है जो सिल के आए हैं वो अच्छी लगी होगी। पर्पल वाला सूट अभी मैंने सिलने देना है और भी मेरे कपड़े जो हैं वो कुछ रखे हुए हैं जो मैंने अभी सिलने दे रहे हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट किसी व्लॉग में दिखाऊंगी। ये हमारे प्रो शेफ चिकन स्ट्रिप्स मैरिनेट कर रहे हैं, ये ऐसे स्ट्रिप्स काटी लंबी लंबी बारीक बारीक स्ट्रिप्स काटी हैं, नीचे करके दिखा दूंगा। सही। और मलीर वाली हरी मिर्चें तेज वाली जो ये तीन चीजें थोड़ा ज्यादा पानी डाल के पतला पतला पीस लिया, पतला पतला पीसा है बस। ये अब इसमें डाल देंगे, इसमें डालेंगे सरका, आधा घंटा तकरीबन ये उस बैटर में भीगी रही है चिकन और अब इसका कलर ऐसा हो गया और हमने इसमें से सारा पानी अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का निकाल दिया। अब इसको मैरिनेट करेंगे। अब इसमें डाल रहे हैं वाइट पेपर, कितनी, एक टीस्पून है ना ब्लैक पेपर है, ये हाफ टी स्पून नमक डाला है, अब टू टेस्ट हमने एक टीस्पून के करीब डाला है, एक टीस्पून पेपरिका पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर है बिल्कुल हाफ टी स्पून से भी कम, अब डाल रहे हैं मस्टर्ड पाउडर, ये भी तकरीबन एक टीस्पून होगा ना, सिराशा सॉस या हॉट सॉस एक टीस्पून भर के और बिल्कुल थोड़ी सी चीनी हाफ टी स्पून के करीब। अब इस सब को अच्छी तरह से मिक्स करके दो तीन घंटों के लिए मैरिनेट करें। ग्लव्स पहने और इसको अच्छे से मिक्स करें। स्ट्रिप्स को मैरिनेट हुए हुए अच्छा खासा टाइम हो गया और हम फ्राइंग कर रहे हैं तो हमने सारी स्ट्रिप्स को पहले ये मैदा, इसमें मैदे में नमक, पिसी हुई काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, ये तीनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब इस मैदे में स्ट्रिप्स को इस तरह से कोट कर रहे हैं, ये कोटिंग कर रहे हैं और इस तरह से ये पानी में भिगोना है, एक दफ़ा मैदे में कोट करना है फिर पानी में भिगोना है फिर दोबारा मैदे में कोट करना है ना, ये इस तरह अब फ्राइंग हो रही है, चूल्हा बिल्कुल हल्का है, हल्की हल्की हम चलाते जाएंगे। अब ज़बरदस्त किस्म के हमारे चिकन स्ट्रिप्स बोले, चिकन टेंडर्स बोले रेडी हो गए।